भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर विचार वाले बयान में कहा कि दिग्विजय सिंह के पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध है, इस मामले की जाँच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सौजन्य भेंट बताया और उनके निवास पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पाकिस्तान के एक पत्रकार से क्लब हाउस चैट के दौरान धारा 370 बहाली वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पाकिस्तानी पत्रकार से संबंध है और इस मामले की जाँच के लिए वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर NIA से जाँच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिग्विजय सिंह देश विरोधी ताकत और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा यह देशद्रोही षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह बाटला हाउस से लेकर सभी देश विरोधी काम करते आए हैं। शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह का ये घातक कदम देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। चैट में पाकिस्तानी पत्रकार कैसे सम्मिलित हुआ और कांग्रेस के लोग इस षड्यंत्र में कैसे शामिल हुए? देखिए, मैंने आज मीडिया को कहा है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि देश के साथ लगातार देश विरोधी ताकत आतंकवाद का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से भारत के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक भारत के सामान्य नागरिक और एक जिम्मेदार व्यक्ति जो राज्यसभा के अंदर सांसद हो, भारत के संविधान ने जिस कानून को पारित किया हो उस कानून पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम ये देश विरोधी षड्यंत्र है। हमने ये कहा है कि जिस प्रकार से बटाला हाउस से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर हर प्रकार के उन बातों पर जो देश के लिए लोग काम करते हैं उस पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह हमेशा से करते आए हैं। आज तो और ज्यादा घातक कदम उठाया है कि कांग्रेस का जो ग्रुप है क्लब हाउस चैट जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी पत्रकार का सम्मिलित होना ये अत्यंत तौर पर आपत्तिजनक, देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। हमने मांग की है कि NIA इसकी गंभीरता से जांच करे कि दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तानी पत्रकार कैसे सम्मिलित हुआ उस चैट के अंदर, कौन सा षड्यंत्र दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग जो उस ग्रुप के अंदर हैं, इसकी जांच उनके कॉल रिकॉर्ड से लेकर के सारी गतिविधियों की जांच NIA को करना चाहिए। और मैं आज माननीय देश के हमारे गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी को आज इस पर एक पत्र भी लिख रहा हूं कि देश की एकता अखंडता और संप्रभुता पर दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रच रहे हैं इसकी जांच NIA से तत्काल करके इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।